आपने हाइड्रोजन एज फ्यूल की बात की फॉसिल फ्यूल से आप कहते हैं लोगों को धीरे धीरे शिफ्ट करना चाहिए इथेनॉल का एक प्लांट भी यूपी में आपने लगा दिया है लेकिन दूसरी तरफ पराली को लेकर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा कि प्रदूषण पर अपना इनोवेटिव आप आइडिया दीजिए जो पराली है वो एक फ्लैश पॉइंट बना हुआ है दिल्ली और पंजाब सरकार के बीच में बीजेपी कहती है कि मुख्यमंत्री साहब अब आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में पराली जलाना बंद क्यों नहीं करते हैं पराली को लेकर क्या नया तरीका आपने बायो बाइटोमेंट जो कह रहे हैं क्या है ये चीज़ देखिए पहली बात तो ऐसी है कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने मुझे सुप्रीम कोर्ट में बुलाया था मैंने एक किताब लिखी है एक तो पहला दिल्ली के पोल्यूशन बहुत गंभीर है आप इसको बहुत सीरियसली लूँ मैं जब भी आता हूँ तो मुझे इन्फेक्शन हो जाता है और हमारी आयु कम करने वाला है इसको बहुत बहुत वॉर फुटिंग पर प्रायोरिटी देनी चाहिए और इसके जो कारण है उसमें से 35 फाइव टू फोर्टी परसेंट ये ऑटोबाइल इंडस्ट्री पेट्रोल डीजल के कारण है और बाकी जो होता है ये जो विशेष रूप से विंटर के दिनों में ये परली जलाने से होता है मैं दो फिलोसॉफी पर काम करता हूँ एक नॉलेज इनोवेशन एंटरप्रिनरशिप साइंस टेक्नोलॉजी रिसर्च स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिस वी नेम इट एज नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इन टू वेल्थ इज ए फ्यूचर और दूसरी बात मैं करता हूँ नो वन इज बेस्ट नो मटेरियल इज बेस्ट नो पर्सन इज बेस्ट इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी दैट यू कैन कन्वर्ट वेस्ट इंटू वेल्थ अब हमारे यहाँ परली है जलती है अभी पानीपत में इंडियन ऑयल ने एक प्लांट शुरू किया है वो परली से एक लाख लीटर बायो इथेनॉल और डेढ़ सौ टन बायो विटामिन पर डे बना रहा है अभी सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन और सीएसआर ने मेरे साथ प्रेजेंटेशन हो गया फाइनल हो गया मैं एक महीने में वो प्लांट लॉन्च कर रहा हूँ ट्रैक्टर मोल्डेड की परली से बायो बिटोमिन तैयार होगा अब आप समझ लीजिए हमारे देश में 80 लाख टन बिटुमिन लगता है उसमें से 50 लाख टन बिटुमिन हमारे रिफाइनरी से मिलता है और 30 लाख टन हम इंपोर्ट करते हैं पच्चीस से 30 लाख टन अब हमारे यहां ये परली जो पड़ी हुई पंजाब हरियाणा में ट्रैक्टर मोल्डेड यूनिट में इस परली से बायोविटोमिन होगा और अभी जो सी के जो फाइंडिंग आए हैं दैट इज प्रू टू बी एट टाइम्स उसमें ज्यादा बातें ऐसी है, है जो पेट्रोलियम विटुमिन में नहीं है hmm. और किसान ये विटमिन तैयार करेंगे और हम पूरा खरीद लेंगे तो गांव में रोजगार तैयार होगा पर परली और परली कन्वर्ट इनटू बायो बायोविटमिन उसमें सेवेंटी परसेंट बायोविटमिन और थर्टी परसेंट ऑर्गेनिक कार्बन होगा जो किसान है जो जानते हैं कि जहाँ ऑर्गेनिक कार्बन पॉइंट hmm. एट जीरो के ऊपर जाता है वहाँ हंड्रेड टन गन्ना होता है और जहाँ पॉइंट होता है वहाँ पैंतीस टन होता है एक एकड़ में तो ये ऑर्गेनिक कार्बन से एग्रीकल्चर में रिवोल्यूशन होगा और ये सेवेंटी परसेंट बिटवीन होगा हमारा इंपोर्ट कम होगा और हरियाणा और पंजाब के गाँवों में किसानों को इससे राहत मिलेगी उनको पैसा मिलेगा रोजगार मिलेगा दूसरा आपने तो एक सक्सेसफुली किया है हुँ. कि परल इसे बायो सी और बायो एल बनता है मैंने अपना खुद का ट्रैक्टर मैंने खुद बायो सी पे कन्वर्ट किया है ट्रैक्टर कहा है, वहां, नागपुर में नागपुर में, में। यहाँ दिल्ली में धर्मेंद्र प्रधान और रूपाला जी वगैरह आके लॉन्च किया है मैं आपको जितनी बात बता रहा हूं क्योंकि मैं आउट ऑफ बॉक्स बात करता हूँ लोग विश्वास नहीं रखते और पॉलिटिकल पोलिटिकल तो मैं हर चीज दिखा दूंगा आपको आप हाइड्रोजन की बात करो मैं हाइड्रोजन की गाड़ी आप में बिठा के ले जाऊंगा आप इथेनॉल की बात करो हंड्रेड परसेंट वाली गाड़ी में आपको चक्कर कर दूंगा तो मैं कोई बात विदाउट प्रूफ नहीं हम लोग भी चक्कर गाड़ी में लिए बिना विश्वास नहीं करेंगे लेकिन कितना लोगों तक ये पहुंचता है उस पर नजर रहेगी